Hi students, this is KT sir from Shivam Education. Today we are going to do chapter number 8, trigonometry of class 10. Okay, question number 1. In triangle ABC, right angle at B, right? पहले तो ये दो दीजिए. Right angle at B. तो ये क्या हो सकता है? आप इसको A ले सकते हैं, ये C ले सकते हैं, right? AB is equal to 24 and BC is equal to 7. Right? तो determine sin A cos A. Right? In this chapter, the whole chapter is based on right angle triangle. और right angle triangle आएगा तो Pythagoras theorem आएगा. Right? तो कहीं से भी आप देख लीजिए whether it is height and distance or related to trigonometry, you have to just look for right angle triangle और फिर Pythagoras. तो पहले Pythagoras से इसको fill in the blank करते हैं, मतलब hypotenuse fill up कर देते हैं by Pythagoras theorem, right? In triangle ABC, angle B is equal to 90, right? Therefore, AC is equal to square root of AB square plus BC square. That is, AC is equal to square root of 24 ka square plus 7 ka square. AC is equal to 24 576 plus 49. AC is equal to 10 15 1 8 6 25. AC is equal to 25 centimeter. You have to just fill up. राइट, ये तीनों अगर आ जाते हैं फिर आपको जो ढूंढना है ढूंढ सकते हैं. नाउ सी यर देन इट इज नंबर 1, साइन ए एंड कॉस ए. राइट, साइन ए मतलब यहां, यू टू कीप योर पेन ओवर हियर. यहां पे साइन ए का फॉर्मूला क्या है? साइन ए इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. साइन ए इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन hypotenuse. That is, sin A is equal to क्या आएगा? 7/25. First answer, cos A. Here, cos A is equal to adjacent side upon hypotenuse. क्या आएगा? Adjacent side क्या होगा? 24. तो 24/25. Right? Similarly, we have to find this. साइन सी और कॉस सी. राइट, साइन सी क्या होगा? साइन सी इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपो. अब यहां देखिए सी है तो जस्ट पुट योर पेन ओवर हियर. सी का ऑपोजिट साइड कौन सा आएगा? ए बी अपॉन ए सी. दैट इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी. लिख दीजिए, दैट इज 24/25. राइट, कॉस सी क्या होगा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो. एडजेसेंट साइड कौन सा है? बीसी अपॉन ए सी. दैट इज 7/25. आई होप यू अंडरस्टूड. राइट, बहुत इजी सम्स है, खाली आपको फॉर्मूलास आने चाहिए और Pythagoras theorem. दैट्स ऑल. ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट सम. क्वेश्चन नंबर 2. In the given figure, find 10p minus cot r. Right? 10p minus cot r मतलब ये वाला हमको वैल्यू पहले तो क्या करना पड़ेगा? QR नहीं दिया है. चलो, in triangle PQR, angle Q is equal to 90. Therefore, by Pythagoras theorem, क्या आएगा? QR is equal to square root of PR square minus PQ square. That is 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर. That is 169 144 25 is equal to 5 centimeter. ओके, डन. अब इसका वैल्यू फाइंड करते हैं. नाउ 10p इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. 10p ऑपोजिट साइड क्या होगा? QR अपॉन PQ.
ये क्या आएगा, 5/12, राइट। सिमिलरली एंड cot r इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड, वापस वही आएगा qr अपॉन pq। क्यों बोलिए तो, अब यहां से देखना है तो एडजेसेंट साइड ये हो गया और ऑपोजिट साइड ये हो गया, राइट। अब देखिए वापस उसका भी वही आएगा 5/12। अब वैल्यू ढूंढना है, नाउ tan p माइनस cot r 5/12 माइनस 5/12 क्या आएगा सर, 0, क्योंकि ये दोनों कट हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 3। इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। आइडेंटिटी यूज करके भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमको वो नहीं करना है, अभी हम लोग ट्राइंगल वाला ही करेंगे। पहले तो यहाँ पे ए रखना हो तो यहाँ रख दीजिए, राइट, ए बी सी। ओके, नाउ हियर साइन ए इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो साइन ए इज इक्वल टू 3/4 ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो गया 3 और ये हो गया 4, राइट। अब हमको क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। यार इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90, ओके, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, दैट इज 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ओके, नाउ इसका क्या आएगा बताइए, 16 - 9 √7। ओके, अब ये लिख देते हैं √7। अब फाइंड करना है आपको, जो आया वो लिखो, यार cos a इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, दैट इज स्क्वायर रूट 7/4 cos a। ओके, सिमिलरली tan a इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, क्या आएगा, ऑपोजिट साइड tan a मतलब दिस वन बी सी अपॉन ए बी, दैट इज 3/√7। दिस इज योर आंसर। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 4। गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8। अब यहां देखिए 15 cot a इज इक्वल टू 8 मतलब cot a इज इक्वल टू 8/15, राइट। अब cot a का फॉर्मूला क्या है सर, cot a इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड, मिल गया दो ट्राई है, यहां पे ये बी और ये सी ले लेते हैं। ओके, अब यहां पे देखिए एंगल सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू 90, अब मैंने सी लिया है 90। ओके, तो ये क्या हुआ, ए पे हम खड़े हैं, देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या हो गया, एडजेसेंट साइड 8 ऑपोजिट साइड 15, तो ये ढूंढना है। यार बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी सी ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दैट इज 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 64 प्लस 225 कितना आएगा 9, 8 और ये 2, 289 दैट इज कितना है 17, ए बी इज इक्वल टू 17। ओके, यहाँ लिख दीजिए 17 सेंटीमीटर। ओके, सर दिया नहीं है तो सिर्फ 17 लिखिए। नाउ अब तो जब भी आपको फिल इन द ब्लैंक हो जाएगा, मतलब आपने ये कंप्लीट कर दिया ट्राइंगल, तो यू कैन फाइंड एनीथिंग। ओके, साइन ए, हियर साइन ए इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या आएगा, साइन ए इधर है तो ए बी सी अपॉन ए बी, दैट इज 15/17। ओके, दैट इज साइन ए। एंड sec a का फॉर्मूला क्या है, cos का उल्टा है, तो
क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, तो सह के मतलब वापस यहां हाइपोटेन्यूज ए बी और एडजेसेंट साइड ए सी, ए बी अपॉन ए सी दैट इज 17/8। ओके अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 5। गिवन sec theta इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यार sec theta इज इक्वल टू 13/12। sec theta क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड, राइट। तो ट्राइंगल ले लेते हैं, ए बी सी, एंगल बी 90, या इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 बाय पाइथागोरस, राइट। क्या आएगा, 13 और ये 12 हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे थीटा ले लिया, राइट। यहाँ पे जब थीटा दिया है तो आप टू यू मेंशन दैट वेर यू आर पुटिंग द थीटा। अगर आपने ये थीटा रखा तो ये भी एडजेसेंट साइड बन जाएगा। अंडरस्टूड, प्लीज स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको बताना है थीटा आपने कहाँ रखा है, तो मैंने अभी यहाँ रखा है क्योंकि हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड, ये वाला ढूंढना है, दैट इज ए बी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। फाइव, ए बी इज इक्वल टू 5, दैट इज यहां आ गया, राइट 5। अब बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते जाओ, फटाफट हो जाएगा, राइट। साइन ए से शुरू करते हैं, साइन ए इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। ऑपोजिट साइड क्या है, साइन हमको थीटा ढूंढना है, सॉरी थीटा ढूंढना है, तो साइन थीटा से देना, तो ऑपोजिट साइड क्या है, ए बी अपॉन ए सी दैट इज 5/13, राइट। कॉस थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड क्या है, बी सी अपॉन ए सी दैट इज 12/13। फिर उसके बाद टेन थीटा क्या आएगा, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड दैट इज क्या आएगा, ए बी अपॉन बी सी दैट इज 5/12। फिर कॉट थीटा क्या आएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड, इसका उल्टा लिख दीजिए, बी सी अपॉन ए बी 12/5। ओके, अब क्या फाइंड करना बाकी है, sec थीटा तो दिया हुआ है, सिर्फ cosec थीटा फाइंड करना है। cosec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, और ऑपोजिट साइड क्या है, ए बी दैट इज 13/5। ओके डन, सो दिस इज द थिंग, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब ये वाला ढूंढना है। ओके इजी है, सिर्फ फॉर्मूला देख लीजिए और ये पाइथागोरस देख लीजिए। ओके चलो नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, व्हाट आर एक्यूट एंगल्स, बिलो 90, ओके, सच दैट cos a इज इक्वल टू cos b, ऐसा बोल रहे हैं, देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अब अभी हम लोग को डिग्री यूज नहीं करना है, आइडेंटिटी यूज नहीं करना है, तो ट्राइंगल रख के हम कैसे यूज करेंगे, सी लेट्स सी राइट एंगल ट्राइंगल, ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, तो ए एंड बी एक्यूट एंगल लेना पड़ेगा, तो सी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू 90, देयरफॉर एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, और गिवन लिख दो, राइट, ये तो दिया हुआ है और एक्यूट एंगल ही होता है राइट एंगल ट्राइंगल में। ओके दिस इज डन, नाउ कॉस ए, यार cos A इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, बरोबर, क्या आएगा, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, सिमिलरली cos B दैट इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहां से देखना है तो BC अपॉन AB, राइट। नाउ यहां पे दिया है कि cos A is equal to cos B, right? Here,
cos a इज इक्वल टू cos b, तो पुटिंग द वैल्यू क्या आएगा, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, ए बी ए बी कट हो जाएगा, दैट इज ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू, इफ ए सी इज इक्वल टू बी सी राइट एज पर आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी राइट, यर एज पर आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी ट्रू राइट, इफ ए सी इज इक्वल टू बी सी देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, दिस इज प्रूव्ड, ओके लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम. नाउ यार क्वेश्चन नंबर 7, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्यूएट, ये दोनों का वैल्यू फाइंड करना है. फिर से हम लोग ट्राइंगल वाला मेथड से ट्राई करते हैं, इजी हो जाएगा. कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 मतलब क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड करेक्ट, तो ये रख लीजिए ट्राइंगल ले लो ए बी सी, दिस इज थीटा ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया एडजेसेंट साइड मतलब 7 ये हो गया और ये 8, तो यार इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दैट इज 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 64 + 49 क्या आएगा 13 1 7 और 5 7 11 113 राइट, इसको ऐसे लिखते हैं जो आया वो लिखिए कोई टेंशन नहीं, ओके ओके. नाउ ये रूट 113 आ गया, अब इसमें वैल्यू डालते हैं. पहले तो हमको साइन थीटा और कॉस थीटा फाइंड करना है. यार साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्या आएगा ऑपोजिट साइड क्या है 8/√113 ओके. कॉस थीटा क्या आएगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये क्या आएगा 7/113 राइट. अब वैल्यू डालते हैं, पुटिंग द वैल्यू राइट, ये क्या हो जाएगा 1 + sin θ 1 - sin θ अपॉन 1 + cos θ 1 - cos θ. अगर इसको आप वो करते हैं राइट सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 - sin²θ 1 - cos²θ आएगा, दैट इज 1 - 8/√113 का स्क्वायर 1 - 7/113 का स्क्वायर, ये क्या आएगा बताइए 1 - 64/113 1 - 49/113 दिस विल गिव 113 - 64/113 - 49 क्या आएगा 113 में से 64 माइनस करेंगे तो 49/64 राइट. यही चीज अगर हम लोग यहां देखते हैं cot square theta, यार cot square theta इज इक्वल टू दिया हुआ है 7/8 का स्क्वायर दैट इज 49/64 सेम आंसर है, देख लीजिए दिस इज आवर आंसर ओके. आई होप यू अंडरस्टूड राइट, एक तो आपको सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए और एक आपको फॉर्मूला आना चाहिए ओके. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3/4 इज इक्वल टू 4 वेदर चेक वेदर 1 - tan²a / 1 + tan²a इज इक्वल टू cos²a - sin²a. अगर हम ट्राइंगल के बेस पे करेंगे तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है राइट. सबसे पहले यार 3/4 इज इक्वल टू 4, तो cot इज इक्वल टू क्या हो गया 4/3 दैट इज एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड ओके. ये हमको हो गया, लेट्स टेक द ट्राइंगल ए बी सी, ए लिखा है तो ये हमको ये ए यहां पे लेते हैं तो आपको इजी रहेगा ओके. cot ए तो ये क्या हो गया एडजेसेंट साइड कौन सा रहेगा 4, ऑपोजिट साइड 3, तो यार इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 therefore ए सी स्क्वायर ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दैट इज 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज 16 प्लस 9, दैट इज 25, दैट इज 5, मिल गया हमको, ये 5 मिल गया। अब देखना है हमको, tan है, cos है, sin है, तो ये फाइंड आउट करके रख दो, तो आपको क्या इजी रहेगा यार। tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन cot a, राइट, ये भी आपको पता है, तो इसका उल्टा लिख दीजिए, दैट इज 3 अपॉन 4, पहला हो गया। फिर उसके बाद sin a इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्या आएगा ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी क्या होगा 3 अपॉन 5, सेकंड नंबर आ गया। थर्ड क्या है, कॉस ए, कॉस ए इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्या आएगा ए बी अपॉन एसी, यह आएगा 4 अपॉन 5, बराबर। ये वैल्यू फाइंड करेंगे तो इजी होगा यहां पे, राइट। नाउ LHS 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, राइट, LHS लिख दो। LHS में इसका वैल्यू फाइंड करते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए क्या है 3 अपॉन 4 का स्क्वायर, 3 का 4 स्क्वायर, 1 प्लस 3 का 4 स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 9 अपॉन 16, 1 प्लस 9 अपॉन 16, दैट इज क्या आएगा 16 माइनस 9 अपॉन 16, 16 प्लस 9 अपॉन 16, 16 16 कट हो जाएगा, 16 में से 9 गया तो 9 7 और ये अपॉन 25, दिस इज LHS। अब वैसे ही RHS देखते हैं, RHS इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ओके चलो वैल्यू डालते हैं, क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए क्या फाइंड किया था हमने 4 अपॉन 5, दैट इज 4 अपॉन 5 का स्क्वायर, ये 3 अपॉन 5 का स्क्वायर, दैट इज 16 अपॉन 25, 9 अपॉन 25, 16 माइनस 9 अपॉन 25 क्या आएगा वापस 7 अपॉन 25, सेम है, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, क्या पूछा था चेक, डन, इजी है ना, अलग अलग फाइंड करके वैल्यू सेम है तो LHS इक्वल टू RHS लिख देना, ओके। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, फिर से हम लोग यही करेंगे, tan a इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, इसका मतलब क्या है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, राइट, एक ट्राइंगल ले लेते हैं, दिस इज ए और ए और सी दिया है तो दिस इज बी, क्योंकि इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 दिया है, राइट, तो ये ऑपोजिट साइड क्या होगा, ये tan a दिया है तो ऑपोजिट साइड 1 होगा और रूट 3 यहां आएगा, राइट, तो इन ट्राइंगल बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ए सी इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, क्या आएगा सर 1 प्लस 3 दैट इज 4 दैट इज 2, राइट, बस ये आपको आ गया, मतलब आप कुछ भी वैल्यू फाइंड करना है कर सकते हैं। अभी देखिए साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी साइन ए, तो एक काम करते हैं सबका साइन और कॉस फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट, साइन ए, साइन ए इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्या आएगा ऑपोजिट साइड मतलब 1 अपॉन 2, राइट, कॉस ए, कॉस ए क्या आएगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये क्या आएगा रूट 3 अपॉन 2, ओके ये भी लिख लो। फिर उसके बाद सिमिलरली साइन सी क्या आएगा, साइन सी ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये देखिए यहाँ पे साइन सी मतलब ऑपोजिट ये हो गया, दिस इज रूट 3 अपॉन 2, और कॉस सी क्या होगा, कॉस सी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, यहाँ पे यहाँ साइन है तो ये हो गया 1 अपॉन 2, ये सारे वैल्यू यहाँ पे डालिए। नाउ नाउ
वन साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी वैल्यू पुटिंग द वैल्यू राइट ये जो वैल्यू है पुट करते हैं साइन ए क्या है साइन ए वन अपॉन टू कॉस ए कॉस सी क्या आएगा वन अपॉन टू प्लस कॉस ए क्या है रूट थ्री अपॉन टू इंटू साइन सी क्या है रूट थ्री अपॉन टू चलो इसका वैल्यू वन अपॉन फोर प्लस रूट थ्री 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 अपॉन फोर एल सी एम सेम है वन प्लस थ्री दैट इज फोर अपॉन फोर इज इक्वल टू वन वैल्यू राइट वैसे ही चलो इसमें देखते हैं सेकेंड नंबर कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी चलो कॉस ए क्या है कॉस ए इधर है रूट थ्री अपॉन टू कॉस सी क्या है देखो तो वन अपॉन टू माइनस साइन ए क्या है वन अपॉन टू और साइन सी क्या है रूट थ्री अपॉन टू सेम है रूट थ्री अपॉन फोर रूट थ्री अपॉन फोर सेम कट हो जाएगा दैट इज जीरो राइट वैल्यू आ गया इजी है आई होप यू अंडरस्टूड लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर टेन इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 राइट ओके अब यहां पे साइड दिया है वन इज पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ लेकिन ये दोनों का क्या किया पी आर और क्यू आर अलग दिए हैं तो कोई एक ले लेते हो लेट पी आर इज इक्वल टू एक्स राइट तो ये अगर मैं इसको एक्स लूंगा तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स सिंपल है 25 माइनस एक्स नाउ नाउ बाय पाइथागोरस राइट पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर दैट इज फाइव स्क्वायर 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का कितना हो जाएगा 625 ए माइनस बी होल स्क्वायर राइट दैट इज 50x प्लस एक्स स्क्वायर देखो एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज माइनस 50x प्लस 650 राइट अब ये कट हो गया तो जीरो हो जाएगा तो 50x को इधर लेके आ जाओ 50x इज इक्वल टू 650 एक्स इज इक्वल टू 650 अपॉन 50 राइट दैट इज x इक्वल टू 13 राइट तो x इक्वल टू क्या आया 13 आया अब यहां पे लिख दीजिए यार x इज इक्वल टू क्या लिया था हमने x pr इज इक्वल टू 13 देयरफॉर pq इज इक्वल टू qr इज इक्वल टू 25 माइनस 13 qr इज इक्वल टू 12 ये भी बॉक्स बना दो x इक्वल टू 13 राइट और क्यू आर इज इक्वल टू 12 और हमको पी आर तो ये तो दिया हुआ है पी क्यू तो अब तो आपको फाइंड करने में इजी रहेगा लेट्स नाउ साइन पी इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस ऑपोजिट साइड साइन पी इधर है तो क्यू आर अपॉन पी आर आराम से करना राइट इज इक्वल टू क्या आएगा क्यू आर अपॉन पी आर क्यू आर ये राइट 12 अपॉन पी आर क्या है 13 12 अपॉन 13 पहला आसन राइट अब दूसरा कॉस पी इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज एडजेसेंट साइड क्या है कॉस पी तो वापस पी क्यू अपॉन पी आर PQ क्या है 5 अपॉन 13 ओके नेक्स्ट है tan P ये तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा tan P इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग ऑपोजिट साइड
अपॉन एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड क्या आएगा, 10p ऑपोजिट साइड qr अपॉन pq दैट इज 13 अपॉन 12 अपॉन 12 अपॉन 5 ओके दैट्स अ थिंग। ये आपका आंसर थर्ड नंबर और इस तरह आपका आंसर प्रूव हो जाता है। ओके आई होप यू अंडरस्टूड। लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 11। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1 द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1 नाउ tan a इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके दिस इज आंसर। तो tan a इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड तो इन ए राइट एंगल ट्राइंगल this opposite side upon adjacent side, this both the sides, these sides either they can be equal or unequal. If they are equal, then they will be equal to 1. If they are unequal, then they are either less than 1. Right? So, other than hypotenuse can be either equal or unequal, right? Therefore the statement is false, right? यहाँ पे आपको ऐसा होता है लिख दीजिए false। पहला आंसर लिख दीजिए फॉल्स, राइट? ये वाला सेकंड है sec a इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। sec a देखिए ये इसीलिए sec a मतलब इज इक्वल टू 1 अपॉन cos a, 1 अपॉन cos a, राइट? नाउ cos a इज ऑलवेज लेस देन 1, देयरफॉर 1 अपॉन cos a दैट इज is greater than 1, right? So greater than 1 होगा तो क्या होगा, it is true, right? यहां लिख दीजिए true। I hope you understood। देखो 12 बड़ा नंबर है, 5 छोटा नंबर है, क्योंकि hypotenuse upon adjacent side, ऐसा भी देखो hypotenuse हमेशा क्या होगा, दोनों साइड से बड़ा होगा, तो it is always greater than 1, तो ये है, तो therefore sec a is equal to 1 upon cos a, and cos a is always less than 1. So 1 upon cos a is greater than 1. Therefore, it is true. It is possible. Right? Now, cos a is the abbreviation used for the cosecant a. No. Cos a hits false. Kyunki cos a is the abbreviation of cosine. Kya hai? Ye yaad rakhna. Ye hai. Cosine hai. Therefore, it is false. Next is cot A is the product of cot and A. देखो cot A itself is a term. cot A एक meaningful term है. cot करके A है ना, ये दोनों अलग meaningless हो जाता है, right? तो here this is false because cot A is the meaningful term. At the same time There is no word called cot, right? ऐसा कोई word है ही नहीं, meaningful नहीं है, meaningless है। Next है sin theta is equal to 4 upon 3. Sin theta is equal to 4 upon 3 for some angle theta. जरा सोचो sin theta 4 upon 3, 4 numerator है, that is greater than 1, right? तो इसका मतलब it is greater than 1, which is opposite to our assumption, it should be always less than 1. So sin theta is equal to 4 upon 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, sin theta is equal to, here sin theta is equal to 4 upon 3, तो here 4 upon 3 means sin theta is greater than 1,
greater than 1, which is not possible, right? Because sine is always less than 1. Okay, sine is always less than 1. Ye yaad rakhna, right? Therefore, this is also false. I hope you understood. Samajh pada sab log ko? Okay, so students, we have completed exercise 8.1 of trigonometric chapter. Okay, please do this sum. Ek bar practice karo. Kuch query ho to comment box mein likho. I will get back to you. You can even message me on the Facebook also. Okay, so share the video so that number of students get the benefit. And watch the video full so that you understand the concept of the sums. Okay, please share and subscribe the channel. Bye till the next exercise. Okay, bye for the day. Bye.